हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो जहां पे भी हो। और अगर मुझे फर्स्ट टाइम देखे तो मैं हूँ प्रतिभा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम बात करते हैं मेकअप सिंगर फैशन के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। सो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए कि मैम प्लीज पाउडर के बारे में बताइए। तो आज मैं आप लोगों को डिटेल में पाउडर के बारे में सब कुछ बताऊंगी, और थियोरी के बाद हम लोग तुरंत प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि कैसे आप लोग पाउडर सिलेक्ट कर सकते हो आपके स्किन टोन के लिए जो परफेक्ट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आपको ये समझना है कि पाउडर हम लोग लगाते क्यों है, क्या पर्पज है मेन कि हम लोग पाउडर लगाते हैं अपने फेस। जब भी हम लोग मेकअप करते हैं गाइस, तो सबसे पहला जो रीजन होता है पाउडर लगाने का, वो ये होता है कि अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना। सेकंड, उसको स्वेट प्रूफ बनाना। ओके, सो क्या करता है पाउडर? लॉन्ग लास्टिंग, स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ। अभी इसके बाद क्या करता है वो, आपके चेहरे पे जो भी ऑयल रिलीज होता है ना, उसको वो कंट्रोल करता है। मतलब आपके चेहरे पे जो शाइन है ना, उसको वो कंट्रोल करेगा। मतलब ऑयल की वजह से जो चमकता है ना स्किन, उसको वो कंट्रोल करता है। सो शाइन कंट्रोल पॉइंट क्या है कि वो ब्लर कर देता है आपके स्किन को। ब्लर करना मतलब क्या, आपके स्किन में जो भी पोर्स है, जो भी फाइन लाइंस है ना, ब्लर्स द फाइन लाइंस, उसको वो भरता है फाइन लाइंस एंड पोर्स को। तो बहुत ही अच्छा क्लीन और पॉलिश्ड लुक दिखता है पाउडर लगाने के बाद। अच्छा, चेहरे पे एक कवरेज ऐड करता है। अभी जो मार्केट में हमें पाउडर मिलता है वो कौन से टाइप में मिलते हैं? एक तो लूज पाउडर मिलता है, सेकंड मिलता है कॉम्पैक्ट पाउडर। तो अभी हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा आपको खरीदना है, कौन सा आपके स्किन के लिए है, या क्या करता है लूज पाउडर, क्या करता है कॉम्पैक्ट पाउडर, ये हम लोग देखेंगे अभी। अभी लूज पाउडर में बहुत सारे कलर्स आते हैं, ट्रांसलूसेंट आता है, बनाना आता है, ये सब कुछ हम लोग बाद में देखेंगे, अभी उस पर फोकस मत करो। अभी सिर्फ और सिर्फ लूज पाउडर क्या है, कॉम्पैक्ट पाउडर क्या करता है, इतना ही आप लोग अभी देखो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कवरेज। तो ये है लूज पाउडर, हुडा का अगर आप देखोगे तो लूज पाउडर ऐसे होता है, एकदम ये होता है लूज पाउडर, ठीक है, जो ऐसे लूज होता है। ये होता है गाइस कॉम्पैक्ट पाउडर। तो अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर देखोगे ऐसे होता है। तो अभी दोनों में क्या फर्क है, लूज पाउडर जो होता है ना, उसमें जो कलर पिगमेंट्स है ना वो कम होते हैं, और कॉम्पैक्ट में कलर पिगमेंट ज्यादा होते हैं। इसका क्या मतलब है, जिसमें कलर पिगमेंट ज्यादा है उसका कवरेज ज्यादा होता है, और जिसमें कलर पिगमेंट्स कम है उसका कवरेज कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लूज पाउडर का जो कवरेज है वो लो है, और कॉम्पैक्ट पाउडर का जो कवरेज है वो हाई है। ओके, इतना क्लियर है। सेकेंड हम लोग बढ़ेंगे वेयर टाइम, कि कौन सा कितनी देर तक अपने चेहरे पे टिकता है, लॉन्ग लास्टिंग कौन सा है। तो वेयर टाइम अगर आप देखो तो लूज पाउडर जो होता है उसमें कलर पिगमेंट्स कम है, कवरेज लो है, बट उसका जो वेयर टाइम है वो अच्छा है। ओके, फेयर, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है इसका। फाउंडेशन के ऊपर लगाया है, मतलब कंसीलर लगाने के बाद अगर आप लोग लूज पाउडर लगा रहे हो तो इसका भी वेयर टाइम लॉन्ग लास्टिंग है। और कॉम्पैक्ट पाउडर आप देखोगे तो कॉम्पैक्ट पाउडर अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के जाओगे, मतलब आप सोच रहे हो कि आज ठीक है मुझे फंक्शन में जाना है और मैं सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के जाऊंगी, मैं क्योंकि ये फाउंडेशन कॉम्पैक्ट है राइट, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, सिर्फ पाउडर लगा के जाऊंगी क्योंकि इसमें फाउंडेशन है ऑलरेडी। तो ऐसे अगर आप लगा के जाओगे तो फिर ये बिल्कुल भी आपको वेयर टाइम नहीं देगा। आप लगाओगे, नीचे जाओगे, 10 मिनट में ऐसे लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं लगाया अपने फेस पे, पूरा उड़ जाएगा ये। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग एक फाउंडेशन के ऊपर इसको लगाओ। जब भी आप फाउंडेशन के ऊपर इसको लगाते हो ना, तभी क्या होता है ना, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, बहुत ही अच्छा कवरेज भी ऐड करता है। तो इसीलिए ये लॉन्ग लास्टिंग तभी है जब भी आप लोग इसको फाउंडेशन के ऊपर लगाओगे। अगर आप सिर्फ ऐसे ही इसको लगा के जाओगे तो इसका जो वेयर टाइम है ये बहुत ही ज्यादा लो है, मतलब एकदम ही नहीं के बराबर ही। अगर आपने इसको फाउंडेशन के ऊपर लगाया तभी ये लॉन्ग लास्टिंग है, और ये लूज पाउडर तो हम लोग वैसे भी फाउंडेशन कंसीलर के ऊपर ही लगाते हैं, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट नहीं लिखा है आपने। अभी थर्ड हम लोग क्या देखेंगे, कवरेज हो गया, वेयर टाइम आपको समझ में आ गया। तो अभी आपका ये तो कंफ्यूजन चला गया होगा कि मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के जा सकती हूँ क्या, तो नहीं गाइस, आप लोग सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के नहीं जा सकते हो, आपको फाउंडेशन के ऊपर ही उसको लगाना है। शाइन कंट्रोल, शाइन मतलब आपके चेहरे के ऑयल को वो कंट्रोल करेगा क्या, तो यस, लूज पाउडर भी करेगा और कॉम्पैक्ट पाउडर भी करेगा, दोनों करेगा। फोर्थ क्या है, ब्लर, मतलब आपका जो फाइन लाइन्स है और पोर्स को भरेगा क्या, तो यस, लूज पाउडर भी भरेगा, कॉम्पैक्ट पाउडर भी भरेगा, बट कॉम्पैक्ट पाउडर का जो कवरेज है वो ज्यादा, क्योंकि उसमें कलर पिगमेंट ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ
कि अगर मैंने एक मीडियम कवरेज का फाउंडेशन लगाया है, मतलब मैंने मेबिलिन का फाउंडेशन लगाया है या मैंने लॉरियल का फाउंडेशन लगाया, कोई भी मीडियम कवरेज वाला मैंने फाउंडेशन अगर लगाया है और उसके ऊपर अगर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हूँ, तो मेरा जो मीडियम कवरेज का फाउंडेशन है वो हाई कवरेज में चेंज हो जाता है गाइज, क्योंकि उसमें हाई कवरेज होता है, उसके कलर पिगमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वो डबल कवरेज देता है। और लूज पाउडर में गाइज, जब भी आप लोग मेबिलिन के ऊपर, मतलब कोई भी मीडियम या लो कवरेज फाउंडेशन के ऊपर आप लोग लूज पाउडर लगाओगे, तो आपका जो कवरेज है वो वैसे ही रहेगा, वो ज्यादा नहीं करेगा उसको, जैसा है वैसे ही रखेगा। नेचुरल लुक के लिए हमेशा आपको लूज पाउडर ही लगाना है आपके फेस पे, बट अगर आप लोगों को एनहांस्ड लुक चाहिए तो आप लोगों को कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है फाउंडेशन लगाने के बाद। सो आई होप अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि शाइन कंट्रोल, ब्लर, वेयर टाइम, कवरेज कैसे होता है। मीडियम कवरेज के फाउंडेशन को हाई कवरेज में कॉम्पैक्ट पाउडर चेंज करता है, लूज पाउडर नहीं चेंज करता है। तो इतना आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा कि लूज पाउडर किस लिए है और कॉम्पैक्ट पाउडर किस लिए है। बस बेसिक लॉजिक इतना समझ लीजिए कि अगर आपको ज्यादा कवरेज चाहिए तो कॉम्पैक्ट पाउडर ऐड करो, अगर आपको लो कवरेज चाहिए, जैसा है वैसे ही दिखना है, तो आपको लूज पाउडर ऐड करना है। ओके, सो हमेशा याद रखो कि जब भी आप लोग कंसीलर लगाते हैं, जैसे हम लोग सेंटर ऑफ द फेस जो होता है ना, वहां पे हम लोग कंसीलर लगाते हैं, तो वहां पे आप लोगों को हमेशा लूज पाउडर ही लगाना है, क्योंकि आप लोग फाउंडेशन लगाते हो फिर उसके ऊपर कंसीलर भी लगाते हो, तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को और ज्यादा कवरेज नहीं देना है वहां पे, राइट, क्योंकि कंसीलर से ऑलरेडी एक कवरेज मिल गया हो। तो यहाँ पे आप लोग हमेशा लूज पाउडर से ही सेट करना, और यहाँ पे जहां पे हम लोग कंसीलर नहीं लगाते हैं ना, यहाँ पे आप लोग कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर सकते हो, तो ताकि एक एनहांस्ड लुक मिलता है आपका, जो मीडियम शेड का कवरेज, मीडियम कवरेज का जो फाउंडेशन है उसको ज्यादा कवरेज मिलता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। और कॉम्पैक्ट पाउडर का एक ये फायदा है कि आप लोग इसको बैग में ले सकते हो, और लूज पाउडर आप लोग ऐसे बैग में लेके भी जाओगे तो थोड़ा मेसी हो जाता है, राइट, तो इसको आप लोग बैग में रख सकते हो, जब भी आपको लगेगा कि फाइन लाइंस के यहाँ पे क्रीस हो गया है तो थोड़ा सा आप लोग हाथ से उसको ब्लेंड कर सकते हो, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सेट कर सकते हो, या आपको लग रहा है कि ऑयल बहुत छूटा है तो थोड़ा सा आप ब्लॉट कर सकते हो, ब्लॉट मतलब आपका जो टिश्यू पेपर है उससे ऑयल को ऐसे क्लीन कर सकते हो, पोंछ सकते हो, और फिर उसके ऊपर वापस ये जो आपका कॉम्पैक्ट पाउडर है उससे पाउडर लगा के सेट कर सकते हो फेस को। तो ये हैंडी है, आप लोग बैग में बस रख सकते हो और इसको आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये होता है कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर का। तो आई होप ये अभी आपको अच्छे से पता चल गया है। अब मैं आप लोगों को लूज पाउडर में जो टाइप्स होते हैं, मतलब बनाना पाउडर होता है, ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है, स्किन टोन का पाउडर होता है, इसका क्या मतलब है, सेटिंग पाउडर होता है, फिनिशिंग पाउडर होता है, तो इसका क्या मतलब है, किस लिए है, कौन यूज करता है इसको, तो ये हम लोग देखेंगे अभी। आपको अच्छे से पता चल गया होगा गाइस, ये मैं रब कर रही हूँ अभी। एक तो व्हाइट कलर का होता है, मेकअप फॉरएवर में आपको मिलेगा व्हाइट कलर का फिनिशिंग पाउडर, ठीक है, फिर होता है ट्रांसलूसेंट पाउडर, इतने सारे टाइप्स होते हैं, व्हाइट कलर होता है लूज पाउडर एक, ट्रांसलूसेंट होता है, बनाना होता है, स्किन टोन होता है, कौन सा किसके लिए है ये हम लोग देखते हैं। तो जब भी आप लोग व्हाइट पाउडर, जो मैं मेकअप फॉरएवर का आपको बोल रही हूँ ना, ये फिनिशिंग पाउडर होता है, तो ये अगर आपके पास नहीं भी रहेगा ना तो भी चलेगा, ये फिनिशिंग पाउडर है, और ये सब जो है ना ये सेटिंग पाउडर्स है। ओके, तो सेटिंग पाउडर और फिनिशिंग पाउडर में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है। फिनिशिंग पाउडर एंड में लगाना है आपको, पूरा मेकअप होने के बाद, थोड़ा और पॉलिश्ड लुक देता है वो, थोड़ा और ब्लर कर देता है आपके जो फाइन लाइंस है, बहुत ज्यादा ओपन पोर्स है, तो आप लोग ये वाला यूज कर सकते हो मेकअप फॉरएवर का पाउडर। और लूज पाउडर, सेटिंग पाउडर जो होता है ना, वो आपके मेकअप को सेट करता है, सेट मतलब कंसीलर को सेट करेगा, फाउंडेशन को सेट करेगा, सब कुछ सेट करेगा, वाटरप्रूफ बनाएगा और स्वेट प्रूफ बनाएगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा। अभी ऑयल को फिनिशिंग पाउडर, सेटिंग पाउडर दोनों भी ऑयल को कंट्रोल करता है, दोनों भी स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ है, तो आपकी मर्जी, आप लोग कोई भी यूज करो, बट इतना ही कि व्हाइट, मुझे ऐसे लगता है कि जब भी हम लोग व्हाइट पाउडर लगाते हैं ना, अगर आपकी डार्क स्किन है या आप लोग एकदम ही वार्म अंडरटोन के ना, तो व्हाइट थोड़ा सा फ्लैश बैक देता है, मतलब व्हाइट अगर हम लोग यहाँ पे अंडर आईज पे लगाते हैं फिर फोटो वगैरह लेते हैं ना, तो बहुत ज्यादा व्हाइट दिखता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। मैं हमेशा सेटिंग पाउडर यूज करती हूँ, ट्रांसलूसेंट बनाना या स्किन टोन वाला। तो अभी आप लोगों को ये देखना है कि ट्रांसलूसेंट पाउडर किसके लिए है। ओके, ये जो व्हाइट पाउडर है ना, ये ऑल स्किन टाइप के लिए, ये ऑल स्किन टोन्स के लिए है, ऑल स्किन टोन, ऑल अंडरटोन, सबके लिए उन्होंने बनाया है ये फिनिशिंग पाउडर। ओके, कोई भी यूज कर सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा व्हाइट कास्ट दिख सकता है, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करती हूँ, मैं मोस्टली यहाँ पे ये वाले यूज करती हूँ। तो अभी ट्रांसलूसेंट पाउडर किसके लिए है ये हम लोग देखेंगे। ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है ना, उसका भी कोई कलर नहीं होता है। अभी ये लॉरा मर्सियर का पाउडर है गाइज, ट्रांसलूसेंट पाउडर है ये, तो मैं अगर ये यहाँ पे लूंगी अभी यहाँ पे और यहाँ पे लगाऊंगी,
तो इसका कोई भी कलर नहीं है, ये आपके स्किन के साथ सेट हो जाता है। तो हर एक स्किन टाइप पे ये मैच होता है। ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है, ऑल स्किन टोन एंड ऑल अंडरटोन, कोई भी इसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट आता है बनाना पाउडर। तो बनाना नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि बनाना कौन से कलर का होता है, थोड़ा सा येलोइश कलर होता है, राइट? तो वही है, पाउडर सेम है, सेम कवरेज मिलेगा आपको। व्हाइट यूज करो, ट्रांसल्यूशन करो, बनाना करो, स्किन टोन करो, सब में लो है पिगमेंट्स, सब में एक ही काम है, सेट करेगा। जो भी मैंने आप लोगों को अभी यूजेस बताए पाउडर के, वही करेगा ये सब पाउडर। बस बनाना पाउडर में छोटा सा येल्लोइश टिंट होगा, येल्लो कलर होगा, जिसकी वजह से आपके स्किन को वो ब्राइट कर देता है। दैट्स इट, इतना ही फर्क है। और ये हम लोग कौन यूज कर सकते हैं? वॉर्म। तो इंडिया में मोस्टली हम लोग सब वॉर्म अंडरटोन के ही होते हैं, तो हम लोग को सबको ये बनाना पाउडर बहुत ही अच्छा दिखता है। तो अभी वॉर्म में सब कुछ आ गया गाइज, वॉर्म में वॉर्म न्यूट्रल आ गया, सिर्फ न्यूट्रल आ गया। स्किन टोन की अगर आप बात करो तो फेयर आ गया, मीडियम आ गया, डार्क आ गया, सब कुछ, ओके। लाइट आ गया, अगर आप लाइट स्किन टोन के हो बट फिर भी आप वार्म अंडरटोन के हो तो आप लोग बनाना पाउडर यूज कर सकते। अपना जो स्किन होता है ना उसमें थोड़ा सा येलोइश टिंट होता है, राइट? तो बनाना पाउडर ऐड करने से वो येलो टिंट और निखर ही अच्छे से हाईलाइट होता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो इसलिए बनाना पाउडर आप लोग यूज कर सकते हो, जिसका भी वार्म अंडरटोन है। अभी वार्म अंडरटोन है या नहीं ये कैसे आपको फाइंड करना है, इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले गाइस, आप लोग मेरे प्रीवियस पहले वाले वीडियोस देखना। जल्दी से अगर मैं बताना चाहूं तो आपको आपके वेन्स देखने हैं, यहाँ पे जो आपके वेन्स होते हैं ना, ये जो वेन्स है, तो अगर आप मेरे वेन्स देखोगे तो मोस्टली ग्रीन है और थोड़े थोड़े से ब्लू है बीच में। तो इसीलिए मैं वार्म न्यूट्रल हूं, क्योंकि मेरे दोनों वेन्स है, ब्लू वेन्स भी है, ग्रीन वेन्स भी है, इसलिए मैं न्यूट्रल हूं। अगर आपके पास दोनों वेन्स है ब्लू और ग्रीन तो आप न्यूट्रल हो, अगर आपके सिर्फ ग्रीन वेन्स दिख रहे हैं तो मतलब आप वार्म हो, और अगर आपका सिर्फ ब्लू वेन दिख रहा है तो आप कूल हो, पर्पल है तो न्यूट्रल हो, ठीक है? तो ऐसे आपको देखना है, जो भी वार्म न्यूट्रल है, वार्म अंडरटोन जो भी है गाइस, कोई भी स्किन टोन है आपका, लाइट फेयर, जो भी आप लोग बनाना पाउडर यूज कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग स्किन टोन का पाउडर यूज, आप लोगों का स्किन टोन है, अगर आपको लगता है फेयर हो तो फेयर लीजिए, अगर आपको लगता है आप मीडियम हो तो मीडियम स्किन टोन का लीजिए, डार्क हो तो डार्क स्किन टोन का लीजिए। और ट्रांसलूसेंट पाउडर में भी गाइज मुझे यही लगता है, अभी मैं पर्सनली मैं कौन सा यूज करती हूँ, मैं पर्सनली बनाना पाउडर या स्किन टोन यही यूज करती हूँ। मुझे ट्रांसलूसेंट पाउडर भी इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा व्हाइटिश कास्ट छोड़ता है वो, इतना मजा नहीं आता है जितना बनाना पाउडर में आता है। तो इसलिए मैं पर्सनली यूज नहीं करती हूँ, बट आप लोग इसको यूज करके देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग यूज करो। अगर आप लोग कूल अंडरटोन के हो, अगर आप लोग न्यूट्रल अंडरटोन के हो, वार्म न्यूट्रल हो तो बनाना पाउडर यूज करो, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आप थोड़े से कूल न्यूट्रल हो तो आप लोग ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज करो। तो कूल न्यूट्रल वाले सब ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज कर सकते हैं, वार्म कोई भी आपका स्किन टोन है आप लोग बनाना पाउडर यूज कर सकते हो, बस अपने वेन्स देखो और पाउडर खरीदो। थर्ड है स्किन टोन, अगर आपको ये सब कुछ ही कंफ्यूजन लग रहा है तो आप लोग फिर अपने स्किन टोन का पाउडर, ये मेरे पास है मैक का स्किन टोन का मीडियम, अभी मैं मीडियम स्किन टोन की हूं तो मेरे पास ये मीडियम है। तो अगर आप देखोगे इसमें ये ऐसे थोड़ा सा पीची पिंकी कलर है, तो इसको लगाते ही थोड़ा ब्लेंड करते अच्छा ग्लो आ जाता है चेहरे पे, तो फिर ये मीडियम स्किन टोन का। तो ऐसे ही आपको देखना है। होप गाइज आपको ये पाउडर के बारे में मैंने जो भी अभी बताया है ये सब कुछ अच्छे से पता चल गया। पाउडर का भी सेम काम है जो सेटिंग पाउडर का काम है, तो आप लोग डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा चाहिए। बट यू नो अगर कोई कूल अंडरटोन का है या न्यूट्रल है, मतलब कूल न्यूट्रल होता है कोई, तो फिर उस केस में आप लोग कूल न्यूट्रल मतलब क्या, अगर आपके जो वेन्स है ब्लू वेन्स ज्यादा है, ग्रीन वेन्स थोड़े से ही आपके एक या दो है, तो मतलब आप कूल न्यूट्रल हो, ठीक है? तो इस केस में भी आप लोग व्हाइट पाउडर यूज कर सकते हो या ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज कर सकते हो। बाकी आप लोग वार्म हो तो बनाना पाउडर ही आपको यूज करना है। मैं आप लोगों को ये कॉम्पैक्ट फाउंडेशन कॉम्पैक्ट के ब्रांड्स थोड़े बता देती हूँ, ताकि अगर आपको खरीदना होगा तो आप लोग खरीद सकते हो। सो गाइस कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर की ब्रांड्स हैं, आप लोग मैक का ले सकते हो, लॉरा मर्सियर का, लॉरियल का, मेबिलिन, या लॉरियल और मेबिलिन भी बहुत अच्छे है गाइस पाउडर फाउंडेशन। आप लोग मेबिलिन का फाउंडेशन लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा ये पाउडर कॉम्पैक्ट लगाओगे बहुत अच्छा दिखेगा। फिर क्लिनिक है, फेंटी ब्यूटी है, तो ये सारे कॉम्पैक्ट पाउडर्स है। लूज पाउडर में भी मैक का अच्छा है, हुडा बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट अगर कुछ है तो कॉम्पैक्ट पाउडर में मैक है और लूज पाउडर में हुडा है, सुपर्ब है दोनों भी। फिर शुगर का भी अच्छा है, मेबिलिन भी अच्छा है, के ब्यूटी है, लॉरा मर्सियर है, तो आप लोग कोई भी ले सकते हो। तो आई होप आपको ये अभी अच्छे से पता चल गया है। अभी हम लोग
प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे आपको कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, तो मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है और मॉइस्चराइजर भी लगा लिया है। तो सबसे पहले हम लोग जो भी अभी तक थियरी में हमने देखा है ना, वो हम लोग करके देखेंगे अभी प्रैक्टिकली। सो क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग हो गया, अभी हम लोग प्राइमर लगाएंगे। तो प्राइमर के लिए मैं ये प्रो इफेक्ट्स का प्राइमर लगा रही हूँ। तो आज का जो मेन है वो मुझे आप लोगों को पाउडर के बारे में दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड पे मैं आप लोगों को बनाना पाउडर लगा के दिखाऊंगी और दूसरे साइड में हम लोग ट्रांसलूसेंट पाउडर या स्किन टोन का पाउडर यूज करके देखेंगे। तो खुद ही देख सकते हो कि कौन सा अच्छा दिख रहा है, फर्क देख सकते हो आप लोग बेसिकली। सो गाइस, प्राइमर लगा के हो गया है, अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली फाउंडेशन लगाएंगे। मैं आज करेक्शन नहीं कर रही हूँ, हम लोग डायरेक्टली फाउंडेशन लगाएंगे। लिए मैंने यूज किया है आज मेबिलिन का फाउंडेशन, क्योंकि मैं एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन यूज करना चाहती हूँ और फिर उसके ऊपर हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के देखेंगे। फिर आप लोग फर्क देख सकते हो कि कैसे कॉम्पैक्ट पाउडर एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन को हाई कवरेज में चेंज करता है, ठीक है? ये ड्यूई स्मूथ फाउंडेशन है गाइस, मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मैं ड्यूई फाउंडेशन यूज करती हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लोग मैट फाउंडेशन यूज करना। मैंने ये स्पॉन्ज लिया है, स्पॉन्ज की हेल्प से हम लोग पूरे अपने फेस पे लगा लेंगे। तो एकदम परफेक्ट शेड है मेरी स्किन के लिए। एक ही लेयर लगाऊंगी मैं, क्योंकि हम लोग वैसे भी अभी इसके ऊपर पाउडर फाउंडेशन भी लगा के देखेंगे। अभी गाइस फाउंडेशन सेट हो गया, मैंने थोड़ा सा आईब्रोज भी सेट कर लिया। अभी हम लोग कंसीलर लगाएंगे। तो कंसीलर के लिए मैंने लिया है ये टार्ट का शेप टेप कंसीलर इन शेड मीडियम। तो आई होप कंसीलर कैसे लगाना है, क्या करना है, ये वीडियो आप लोगों ने देखा है। नहीं देखा है तो प्लीज चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने दो टेक्निक शेयर की है आपके साथ कि आप लोग जब भी डेली यूज के लिए कंसीलर लगाते हो तो कैसे लगाना है, पार्टी के लिए लगाते हो तो कैसे लगा सकते हो। तो ये अंडर आईज का कंसीलर ब्लेंड करने के लिए मैंने ये कंसीलर ब्रश लिया है, रेयर ब्यूटी का ब्रश है ये, और थोड़ा सा कवरेज ज्यादा मिलता है आप जब भी ब्रश से ब्लेंड करते हो। तो अभी दो पाउडर लिए गाइज मैंने, एक है हुडा ब्यूटी का बनाना पाउडर और एक है ये लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर। तो यहाँ पे हम लोग बनाना पाउडर लगाएंगे, यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएंगे और फिर दोनों देखेंगे फर्क क्या है, उसके बाद में आपको कॉम्पैक्ट पाउडर का। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बनाना पाउडर। तो गाइज जैसे मैं बनाना पाउडर लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो येल्लो टिंट है इसमें, और क्योंकि मैं एक वार्म अंडरटोन हूँ, वार्म न्यूट्रल हूँ, तो इसीलिए ये येलो कलर अपना जो स्किन टोन है उसको और निखारता है। ऐसे ही रखते हैं यहाँ पे, और ये साइड पे मैं आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे है वाइट, तो यहाँ पे मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया और अभी इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं थोड़ा सा। बनाना पाउडर को ब्लेंड किया है तो आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छे से स्किन में सेट हो गया है, और ये जो ट्रांसलूसेंट मैंने लगाया ना, ये थोड़ा सा उठ के दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे हो सकता है कि यू नो, आप अगर डार्क स्किन टोन के हो और आपने एकदम ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया है, तो ऐसे हो सकता है कि जब फोटोज एंड ऑल आप लेते हो ना, तो ये थोड़ा सा फ्लैशबैक, मतलब थोड़ा सा व्हाइट लगेगा आपके अंडर आइज के नीचे। तो हमेशा आप लोग क्या करना, एक तो ऐसे बनाना पाउडर लगाना या तो फिर आप लोग अपने स्किन टोन का पाउडर लगाना। तो अभी ये आपको अच्छे से फर्क पता चल गया होगा, ये बनाना पाउडर का आप देख सकते हो, ये जैसे ही मैंने ब्लेंड किया तो ये बहुत अच्छे से अभी मेरे स्किन में बहुत अच्छे से सेट हो गया है, और ये जो है ये थोड़ा सा व्हाइटिश लग रहा है। ओके, तो ये फर्क। अगर आप एक न्यूट्रल अंडरटोन के हो तो आप लोगों को ऐसे ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाना है, अगर आप लोग वार्म अंडरटोन के हो तो आप लोगों को ऐसे बनाना पाउडर लगाना। ये मेन फर्क आपको अच्छे से पता चल गया होगा, क्योंकि ट्रांसलूसेंट पाउडर में एक थोड़ा सा व्हाइटिश कास्ट होता है। फुल अंडरटोन के हो तो आप लोगों को ऐसे ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाना है, अगर आप लोग वार्म अंडरटोन के हो तो आप लोगों को ऐसे बनाना पाउडर लगाना है। और जो स्किन टोन का पाउडर होता है ना गाइज, वो ऐसे कलर, अभी मेरा मीडियम है तो ये मीडियम शेड का है, तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ यहाँ पे। तो ये देखो, ये पूरे अपने ही स्किन टोन का कलर होता है, तो ऐसे ही पूरा सेट हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉम्पैक्ट पाउडर में गाइज मैंने ये मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है इन शेड NC35, क्योंकि थोड़ा सा लाइट पाउडर हम लोग लगाते हैं ताकि थोड़ा ग्लो दिखे फेस पे। तो अभी जहां पे मैंने ये लूज पाउडर लगाया है ना, वहां पे मैं नहीं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर मैं कहाँ पे लगाऊंगी, यहाँ पे कॉन्टोर के नीचे, यहाँ पे, यहाँ पे। क्यों?
क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर ज्यादा कवरेज देगा आपके स्किन को, और जो मीडियम कवरेज का मैंने फाउंडेशन लगाया ना उसको वो हाई कवरेज में अभी कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही देखो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, इसके साथ ही स्पॉन्ज आता है वही यूज कर रही हूँ, और तो आप देख सकते थे पहले बिल्कुल भी कुछ दिख नहीं रहा था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम ही लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, पर जैसे मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूं ना तो एकदम से एक कवरेज दिख रहा है, राइट। तो ड्राई स्किन वालों को बहुत जरूरी है कि आप स्किन को अच्छे से प्रेप करो, वरना केकी लग सकता है पाउडर लगाने के बाद। मेरा मेबेलिन का फाउंडेशन था, आप देख सकते हो उसका फिनिश ही पूरा चेंज हो गया है और बहुत ज्यादा अभी कवरेज भी दिख रहा है, पहले बहुत ही लाइट कवरेज दिख रहा था राइट स्किन जैसा ही, पर जैसे ही अपने पाउडर लगाया पाउडर फाउंडेशन तो वो डबल कर देता है कवरेज को, ज्यादा कवरेज दिख रहा है, ऐसे अभी लग रहा है कि हाँ अच्छे से फाउंडेशन लगाया है। सो आई होप अभी आपको ठीक से पता चल गया होगा पाउडर का कैसे होता है। कॉम्पैक्ट पाउडर हम लोग सिर्फ कवरेज एनहांस करने के लिए लगाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। अभी मेबेलिन थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट अगर अभी मैंने ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया तो अभी ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा क्योंकि ये लाइट कर दिया है। तो पाउडर का भी समझ में आ गया है, कॉम्पैक्ट पाउडर भी समझ में आ गया है। अभी मैं थोड़ा सा ब्लश लगा रही हूँ, ये नताशा डेनोना का ब्रॉन्ज ग्लो ब्लश है, तो मेरा ले रही हूँ और के लिए मैंने मारियो का लिपस्टिक लिया है इन शेड क्रिस है शायद, क्रिस। और फिर मैं ये लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूं मोका लाते, और ये भी है मेकअप बाय मारियो का, क्योंकि मैंने जो ड्रेस पहना है उसका जो कलर है कैमल कलर का है, तो उसमें ना ब्राउन थोड़ा सा मरूनिश थोड़ा अच्छा दिखता है। एंड मैं अच्छे से मेकअप फिक्सर को स्प्रे कर लीजिए। ये रहा मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको अच्छा लगा आज का लुक और आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज। पाउडर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस थे कंफ्यूजन्स थे वो सब कुछ आज सॉल्व होने चाहिए गाइज। अगर फिर भी कुछ है तो गाइज प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं रिप्लाई करूंगी ओके। और मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट है कि मैं प्लीज वन ब्रांड ट्यूटोरियल कीजिए, तो नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए वन ब्रांड ट्यूटोरियल लेके आ रही हूँ गाइज। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल बटन भी क्लिक करो ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक, टिल देन बाय एंड टेक केयर, लव यू।